है कि वो बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि एज एन इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक ग्रुप में काम करो। वो बताना चाहता है कि जब वो उसमें हमने दिखाया है कि यूएस का उसका जर्नी है, जब वहाँ से वापस आता है तो बताता है कि हम अपने देश में सिर्फ रोबोट बनाते हैं, हम अपने देश में सिर्फ रोबोट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं बनाते। तो वो टेक्नोलॉजी बनाने की बात करता है और वो उसका ड्रीम जॉब। एक्चुअली मैं फाइनल स्पीकिंग मूवी के लिए अभी इमीडिएटली लिखना नहीं चालू किया था। एक मेरी जो मूवी है, जो किताब लिख रहा हूँ, वो एक मैसेज ओरिएंटेड किताब है ना, उससे मुझे मुनाफा कमाना चाहता हूँ। बट सुभाष जी के साथ मेरी चर्चा हुई और उन्होंने जो मुझे समझाया और जो इम्पोर्टेंस समझाया इस बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ठीक है, और काफ़ी उत्साहित हुआ कि ऐसी मूवी हुई नहीं है, इतने उत्साह में मैंने उन्होंने ज्वाइन किया उनके साथ। मेरी जर्नी भी आप जैसे एक रिपोर्टर की तरह शुरू हुई थी। मैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट थी, फिर मैंने FTII ज्वाइन किया पुणे में, जो एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, जहाँ से फिल्म एक्टिंग सीखी। और इस फरवरी में पास आउट हुई और सिटी लाइट्स की मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया उसमें, एंड दिस इज़ माय सेकंड फिल्म विद मुकेश। इस फिल्म में क्या रोल है? मैं इसमें एक ऐसी लेडी का किरदार निभा रही हूँ जो इस बैंक में अपना ड्रीम लेके आती है कि वो बहुत आगे बढ़ेगी, कुछ बड़ा बनेगी, हेड बनेगी, मैनेज करेगी, पर वो एक डिफरेंट वे से जाती है। वो एक्सप्लॉइट होती है उसके बॉस से और उस तरह से वो एक डिफरेंट रूट लेती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि सिंसियरिटी या हार्डवर्क से हम ऊपर जा सकते हैं, हम अपने लिए नाम कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा वो है। और फिर वो कैसे संभलती है और उसका क्या अंत होता है, ये स्टोरी है। मैं बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मैं उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। तो अब मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया, मैंने जॉब स्टार्ट की और फिर FTII के लिए अप्लाई किया। तो जॉब करते करते मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे नहीं लगा था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। सो आई हैड स्टार्टेड वर्किंग और फिर हो गया, तो देन आई लेफ्ट इट। एंड बहुत हो, आई होप मैं बहुत अच्छा करूँ इसमें और ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छा करे, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए। थैंक यू सो मच। गर्ल्स